कृषक सहश्रमिक सम्मेलन 2023 के समारंभ में उपस्थित हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता कुमारी शैलजा यहां की प्रभारी भी है और अभी आपके सामने बहुत सी बातें रखी उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया और आप सबके लाडले चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी चरणदास महंता जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री दीपक वैज अध्यक्ष नौजवान श्री गुरदास सप्पल जी प्रणव झा जी सह प्रभारी चंदन यादव जी माननीय विजय जागीर जी सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू जी रविन्द्र चौबे जी मोहम्मद अकबर जी उमेश पटेल जी समस्त मंत्रीगण क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लिस्ट को पूरा पढ़े हैं तो उन्होंने जो पढ़ा है वो सारे लिस्ट के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी एक मंच पर आकर सभी ने एक होकर जो काम कर रहे हैं इसीलिए बड़े मुझे बहुत खुशी हो गई है और मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूं और देख रहा हूं सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है नहीं, अरे जरा जोर से बोल रहा हूं, मिल रहा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, मिल रहा है तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो इसको याद रख के आगे आपको कदम बढ़ाना है। एक बात मैं कहूंगा, एक दुखद घटना आज हो गई है इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूं क्योंकि मेरे एक जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था मेरी उम्र उस वक्त 26 थी, उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रीजेंट बोल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया गया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंस्टीट्यूट को
मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे, रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे, काम बहुत अच्छा करा और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था। इसीलिए मैं उनको याद करता हूं और ये कहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया, यहां तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया। इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आत्मा को शांति मिले इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूं। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदा बाजार, यहां पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई, और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 237 करोड़ यहां पर सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा, और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा, उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों, वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है, ये सब हिसाब रखते हैं, हमारे लोग कहां कहां जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं, तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर
एक होकर कर रहे हैं और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो कभी तोड़ता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे और जितने भी स्कीम्स है प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि गरीब को जो भी मदद करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है। एक बात कहता हूं, मैं एक शेर कहता हूं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो गरीबों से लड़ते हैं। जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो तो इतिहास बनाते हैं, लेकिन जो गरीबों को खत्म करने की बात करते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लोग आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा 5% लोगों के पास इस देश की 62% संपत्ति है, 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो आप देख लीजिए ये गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ती जा रही है इनके जमाने में। और ऊपर से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परसों ऐसा ही हुआ कि जो महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33% का, ये कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वहां जिले में है, म्युनिसिपैलिटी में है, मेयर में है, हर जगह है। अरे ये काम ने तो राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। और आप जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। हम एक सदन में हमको बहुमत मिला लेकिन दूसरे सदन में यही बीजेपी के लोग उसको खिलाफ करके हमारे उस महिला बिल को, रिजर्वेशन बिल को खत्म किया।
आज छाती टोक के कहते हैं कि हमने किया, और कब करने वाले हैं वो खुद ही कहते हैं कि 2024 को नहीं होने वाला है, 2029, 2029, फिर उसके बाद जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उस वक्त ये सब लागू होगा, यानी 2034 में लागू होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनको देने में, महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। हमने उसी लिए पार्लियामेंट में अपने मुद्दा रखा, राहुल जी रखे, सोनिया जी रखे, पहली बार हम सभी ने कहा कि इसको 2034 तक ले जाने की जरूरत नहीं, ये अभी कर सकते। जो हमारे पास जितने एमपीज हैं, वो एमपीज के आधार पर कितने नंबर है उसमें 1/3 करो और इलेक्शन चुनाव 2024 में लड़ाओ, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो उनको सिर्फ लोगों को बताना है, काम करना नहीं है। लोगों को सिर्फ भ्रमित रख के अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये बोलते बोलते 2024 का इलेक्शन निकल जाना, तो ये उनकी मंशा है। लेकिन हम जो भी कुछ काम करते दिल से करते हैं। राजीव गांधी जी ने भी किया, सोनिया गांधी जी ने भी किया, सब कुछ हमने अपने लोगों को मदद करने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं, बोले हैं 2034 को ये आएगा। तब तक वो ना रहेंगे ना हम रहेंगे, उन्होंने भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बात है, और वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। जैसा कि पहले ही बोले जुमला कि 2 करोड़ रुपए सबको, 2 करोड़ नौकरियां इस देश में मैं हर युवक को देता हूं, उन्होंने कहा। अरे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले, अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिलना था, 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था, किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक को मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शाहजी ये सब जुमले हैं बोलते, तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है, ये भी एक जुमला है। क्योंकि उनको उनको उनके दिमाग में क्या है, लोग हम जो भी कहते हैं उसको लोग भूल जाते हैं बाद में, जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम उनको बात बताते हैं वो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर हमको वोट मिलते हैं, ये उनके दिमाग में है। लेकिन आप उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा, आप सभी लोग मिलके हाथ के निशाने के ऊपर अगर बटन दबाए तो ये नहीं रहेंगे 2024 में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ यहां सुन के जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, बगेल देते जाएंगे, तुम लेते जाएंगे, फिर हमको भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा।
हाँ, तो आप सभी हाथ के निशान पे वोट देंगे? अरे जरा जोर से बोलो भाई, हमारी भी मेहनत है इसमें, देंगे। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं लोगों को, मैं हमेशा कहता हूं, आप वोट देना है तो ये जात पात वो ये देख के नहीं देना। हमारे पास कहावत है, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर, कुछ और कुछ नहीं देखना। और जब बटन आप हाथ पे दबाएंगे तभी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और मंच में जो लोग बैठे हैं फिर से वो आपके मंत्री बनेंगे। बाय। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी अकेले चल पड़े, उनके साथ लाखों लोग, गरीब, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जर्नलिस्ट, ये सब चलते चले गए। कई के लिए? वो आपके लिए, हमारे लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। वो थोड़ा 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 अपने विचारों को लोगों में छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मजबूत करना है, ये कहते हैं। तो इसीलिए मैं गरीबों से विनंती करता हूं, दलितों से विनंती करता हूं, ट्राइबल से विनंती करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से विनंती करता हूं, अगर आप इस लड़ाई में हारेंगे तो संविधान और लोकतंत्र इस देश में बचेगा नहीं। अगर उसको बचाना है तो आपको लड़ना होगा, राहुल जी के साथ देना होगा, कांग्रेस के साथ देना होगा। यही हमारी आवाज है। और दूसरी चीज, हमने पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा रखा है कि जितने लोग हैं बैकवर्ड क्लास के, उनको भी रिजर्वेशन महिला आरक्षण में मिलना चाहिए, उनको भी, सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं ओबीसी की जनगणना हो, सेंसस हो। अगर सेंसस हुआ तो कौन कितने हैं, किसको क्या क्या मिला, आजादी के बाद किसके पास क्या क्या है, कितने नौकरियां हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पास खेती करते हैं, कितने जमीन किसके पास कितनी है, ये सब बाहर आ जाएगा। तब हम कार्यक्रम बना सकते हैं कि किसको कुछ नहीं मिला उसको कैसा देना, किसका जो विद्या हासिल नहीं किया उसको कैसा देना। ये सब चीजें ओबीसी के अगर सेंसस हुआ तो उसी वक्त बाहर आएगा। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम आपका साथ चाहते हैं, इसीलिए आपकी मदद हम चाहते हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में खास करके घासीदास जी जो सतनामी पंथ के स्थापना करने में
उनका बहुत बड़ा हाथ था और उनकी वजह से ही ये सतनामी पंथ यहां पर स्थापित हुई। और आज कोई ऐसी विचारधारा के लोग देश में बहुत कम है। सिर्फ जंतर मंतर वो ये बताते हैं, लेकिन सही मार्ग अगर किसी ने बताया वो घासीदास जी ने बताया। सत्य से चलने का, सत्य से चलने का जो सच्चाई है उन्होंने लोगों को दिखाया। बाकी के लोग क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैं भी देखा हूं, आज इधर इधर के नौजवान लोग भी साधु बन रहे, बगैर सोचे बगैर समझे। बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये लोग अपने जीवन में दुख का सहन करके संघर्ष करके इन्होंने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाने के लिए, लोगों को अच्छाई दिखाने के लिए इन्होंने स्थापना की। इसीलिए तो सतनामी आज बहुत से लोग सही रास्ते पे हैं और सही रास्ता दिखाने वाला घासीदास जी वो छत्तीसगढ़ से है। और एक बात मैं बताऊंगा, मिनी माता जी का भी बहुत यहां पर एक देन है। इसी बलादवा बाजार में पहली महिला लोकसभा सांसद बनी। तुम अभी बनाने में हो तो हम पहले ही कांग्रेस से बना दिए। सबसे पहले एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कौन? सरोजनी नायडू। वो कांग्रेस की थी, वो पहली महिला थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष महिला, वो कांग्रेस के पहला। प्रतिभा पाटिल को हमने इस देश का अध्यक्ष बनाया। लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमारी ये पहली महिला बनी। सब पहला 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 जो आता है वो कांग्रेस का आता है। और ये हमारा देख के नकल करते हैं, हम जो बनाते हैं वो देखकर ये लोग नकल करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं, हमने उनको बनाया, इनको बनाया। अरे ये बनाने वाले, मैं पूछता हूं, आप जब ये पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाल रहे थे, पार्लियामेंट का फाउंडेशन डालते वक्त आपने कोविंद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको उस सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया गया, मैं पूछता हूं? उनके हाथ से फाउंडेशन क्यों नहीं डलवा गया? दूसरी चीज, जब उद्घाटन करते वक्त, इस वक्त भी मुर्मू माता को नहीं बुलाया गया। यानी जो बड़े काम होते हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करते, और सिर्फ मोदी ही जाते हैं आगे आगे हर जगह। अरे भाई, कितना तुम फाउंडेशन डालेंगे, कितने पत्थर डालेंगे? जो पार्लियामेंट के हैं, बड़े बड़े हैं, हमारे संविधान के मुताबिक वो जगह ऊंचे, यानी ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है, उनको सब पीछे छोड़ के आप ही कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपका दिल कैसा है, कि बीजेपी वाले किस ढंग से काम करते हैं वो मुझे आपको बताना है। और ऊपर से बोलते हैं
महिलाओं का बड़ा सम्मान हमने किया और उन्होंने ये भी बताया, जब पार्लियामेंट में मैंने पहली बार अंदर आया तो उसको माथा टेक के अंदर आया हूं। अरे भाई, वो पुराने पार्लियामेंट को तो माथा टेके, लेकिन वहां से यहां नए पार्लियामेंट को आने के बाद, उस बिल्डिंग में आने के बाद महिलाओं का आरक्षण बिल था, उसी वक्त पास क्यों नहीं किया? इसीलिए हाथी के दांत खाने के एक होते हैं और दिखाने एक होते हैं। ऐसा ही है ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे जितने भी अपने देश के लिए बात करते हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा। और कांग्रेस हमेशा किसान के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, हर एक के लिए काम करते हुए आई। ये मकान का बहुत बोलते हैं, गरीबों को हम इतने मकान करके दिए, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो तो दिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको स्टेट गवर्नमेंट बंद के दे रही है, उनको बंद के दे रहे। अरे ये काम हम करते हैं। गरीबी क्या है हमको मालूम है, गरीबी हर जगह कैसी है इसका पूरा निचोड़ हमारे पास है। तो हम सिर्फ बात करने से होता नहीं, इसीलिए आप सोचना चाहिए। और ये लोग जो हमेशा अपनी बात को कहते हैं लेकिन काम नहीं करते, हमने इतनी योजनाएं डाली, अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा भूपेश बघेल की योजना। प्रेसिडेंट जरा बाद में तुम दोनों बात करो, दोनों समय मिलता है अब बात दो, दोनों बात करते रहो। कांग्रेस के जनकल्याण कार्यों की लंबी लिस्ट है। एक न्याय योजना, 5 सालों में 1,75,000 करोड़ की राशि आम लोगों के खाते में पहुंच गई। न्याय योजना के 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ, माफ हुआ नहीं हुआ। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ। 5,63,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रूपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। ये पूरे देश में अपनी तरह ही अकेली योजना है, ये स्पेशल योजना है, स्कीम किसी और जगह नहीं है। तो ये योजना भी यहां से शुरू होगी। 5,16,000 आदिवासी भाइयों को, बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार दिलाया।